गाइज आप लोग देख रहे हैं अब खुलेगा रहस्य रहस्य रास्ते के जायके का। आई जस्ट हैड चाइनीज पकौड़ा हियर, बहुत टेस्टी था। सुखदेव जी सो स्वीट, ही इज अग्रीड टू शेयर एक और रेसिपी जो कि कितने रुपए का मिलता है, 20 रुपए का मिलता है। 20 रुपए का इनका वेज फ्राइड राइस काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 रुपए में ये क्या क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं। सर जाइए, गो अहेड विद इट। सबसे पहले क्या लगेगा सर? सर इसमें थोड़ा ऑयल डालिए। ओके, इन्होंने ऑयल डाला है। ठीक है, ठीक है। कटी हुई गाजर डालिए। ये गाजर डालनी है, वेज फ्राइड राइस बना रहे हैं। प्याज डालिए। ओके, वी हैव ये स्प्रिंग अनियन है जी। थोड़ा शिमला मिर्ची डालिए। थोड़ा सा शिमला मिर्च डालना है, एक मुट्ठी। थोड़ा पत्ता गोभी डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। थोड़ा सा राइस मसाला डाल दिए। ये क्या है? राइस मसाला, ये नूडल्स मसाला। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे आपको हक्का नूडल्स मसाला इन्होंने डाला है। और ये नमक डाला है इन्होंने, नमक जी। ओके, चावल इसको थोड़ा फ्राई होने दीजिए, इसके बाद चावल डालिए। अच्छी जी। और ये 20 रुपए में आप दे देते हैं जी। सर दिन में कितनी प्लेट बनाते हैं वैसे आप? सर हम शाम को ही लगाते हैं। हाँ, दिन में सिर्फ शाम को, शाम में। शाम में और कितनी प्लेट बना लेते हैं? सर राइस और नूडल्स मिला के जो है 40-50। क्या बात है, क्या बात है। और ये देखिए अब यहाँ पे इन्होंने राइस भी डाल दिया है जी। अब इसमें थोड़ा सोया सॉस डालेंगे सर। सोया सॉस मिलाइए जी। अब इसमें जो है हरा कांदा डालिए सर। हरा यहाँ पे आपको कांदा, स्प्रिंग अनियन है ये जी। स्प्रिंग अनियन डाला है, इसके पहले भी आपने स्प्रिंग अनियन डाला था बट जी बॉटम डाला था जी जी। अब इसमें थोड़ा सा शेजवान चटनी का, और शेजवान सॉस से ये शेजवान फ्राइड राइस बन जाएगा जी। वेरी सिंपल रेसिपी, और ये आपको 20 रुपए में मिलती है। और क्या चाहिए लेकिन, मतलब 20 रुपए में कैसे नहीं, और वो भी मुंबई में 20 रुपए में आपको फ्राइड राइस मिल रहा है, वेज फ्राइड राइस जी। हाँ, दैट इज इन दैट ग्रेट। हो गया रेडी जी? सर 5 मिनट भी नहीं हुए, रेडी हो गया जी। 5 मिनट के अंदर इतनी बढ़िया रेसिपी मिल रही है आपको। तो चाइनीज पकौड़े के बाद अब हम ट्राई करेंगे वेज फ्राइड राइस। हल्का सा मैं टेस्ट करना चाहूँगा। वैसे ये देखिए, ये अगर आप 20 रुपए में आपको कितना मिलता है ये क्वांटिटी? सो यहाँ पे ये देख सकते हैं 20 रुपए में आपको अच्छा खासा क्वांटिटी आपको राइस मिल जाता है, एंड वेज फ्राइड राइस। सो आई विल बी ट्राइंग दिस वेज फ्राइड राइस। बहुत बढ़िया बना है, धन्यवाद, सुपर्ब है। बट द बेस्ट पार्ट इज 20 रुपए का, तो 20 रुपए का फ्राइड राइस, रास्ते का खाना। अगर मुंबई में आना, ओशिवरा आना, तो सर के हाथ का यहाँ पे फ्राइड राइस और वो वेज पकौड़ा एक मैं उठा लेता हूँ। ये वेज पकौड़ा ज़रूर खाना, और तो किसी वजह से नहीं आना तो इसे घर पे बनाना, क्योंकि इन्होंने शेयर कर दिया रेसिपी। अब खुल चुका है रहस्य रास्ते के जायके का। यहाँ पे चलिए रिव्यूज जानते हैं। आपका नाम क्या है? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव फ्राइड राइस खा रहे हैं और उस पे शेजवान की चटनी साठ डाल के। महेंद्र क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। इनका रिक्शा है, और जब दिन भर की थकान दूर करने के लिए आप यहाँ पे आके कितनी बार खा चुके हैं यहाँ पे? 4-5 बार खा चुके हैं। कैसा है यहाँ का बढ़िया टेस्ट? अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब जगह से अच्छा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सस्ता भी है? नहीं, वही तो लोगों को ये लगता है कि सस्ता तो शायद पेट खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप खा के टेस्ट कर रहे हो, कभी ऐसा कुछ तकलीफ नहीं, कोई फीलिंग नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, वाउच फॉर इट। आपने इसका चाइनीज पकौड़ा ट्राई किया? हाँ, अच्छा है वो भी। अच्छा है, तो चलिए यहाँ पे अब रिव्यूज में हमें पता चला है कि हाइजीन फैक्टर भी इन्होंने मेंटेन किया, तबियत वबियत में कोई इशू नहीं होता। ओके, एंजॉय करें तुम्हारा राइस। कैसा है यहाँ पे खाना, पहले खा चुके हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। चाइनीज पकौड़ा कैसा है इसका? वो भी सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छा। कितनी बार खा लेते हो हफ्ते में? हफ्ते में रोज खाते हैं। हफ्ते में रोज खाते हो, चलो ठीक है यार, खाओ एंजॉय करो। आप देख रहे हैं अब खुलेगा रहस्य रहस्य रास्ते के जायके का। और एक और नया डिश जो चीनी लोगों को एकदम ही हार्ट अटैक देगा वो है चाइनीज पकोड़ा। पहले हमने चाइनीज भेल की, अब हम चाइनीज पकोड़े की रेसिपी आपको बताने वाले हैं। और मेरे साथ है सर, आपका नाम? सुखदेव प्रसाद जायसवाल सर। सुखदेव जी है मेरे साथ में, जो चाइनीज पकोड़े बनाते हैं जी जी। और कितने साल से आप ये यहाँ पे ये स्टॉल? सर 1 साल।
एक साल से क्या क्या मिलता है आपके स्टॉल में? हमारे यहाँ नूडल्स मिलेगा सर, फ्राइड राइस मिलेगा, सूप मिलेगा, वेज मंचूरियन पकौड़ा। सबका दाम क्या है? मैंने सुना बहुत कम दाम पे मिलता है यहाँ। जी सर, 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक का है मैक्सिमम। 10 से 25 रुपए में सारे आइटम आ जाएंगे जी। और चाइनीज पकौड़ा आपका मैंने सुना बहुत फेमस है। जी सर जी। तो चाइनीज पकौड़े में आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं जी तो क्या क्या लगेगा यहाँ पे? ये क्या है सर? ये पत्ता गोभी है, कटी हुई पत्ता गोभी बारीक, एक मुट्ठी कटी हुई पत्ता गोभी जी। इसमें थोड़ा मैदा लीजिए सर। ओके, ये मैदा हमने डालना है। मैदा डाल दिए। अंदाजन कितना मैदा डाला? अंदाजन जैसे सर 100 ग्राम पत्ता गोभी है तो उसमें उतना मान के चलिए कि 150 ग्राम 125 ग्राम मैदा रहेगा जी। ओके। फिर कॉर्नफ्लावर रहेगा यहाँ पे। ये कॉर्नफ्लावर आपको डालना? ज्यादा नहीं रहेगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की मात्रा मैदे से कम होगी? 25 ग्राम 25 ग्राम। हाँ जी जी, वो 150 ग्राम तो 25 से 30 ग्राम जी। ये नमक सा नमक पड़ गया, नमक पड़ गया। ये एकदम नाम के लिए सर ये है, ये चाइनीज फ्लेवर के लिए चाइनीज नमक डाल रहे हैं। इतना ही नमक हो गया सर जी। हाँ, चाइनीज नमक जिसे आप अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं। और स्टडीज कहती है कि इट्स नॉट दैट ग्रेट फॉर हेल्थ, बट आप चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। टेस्ट फैक्टर वाइज इट्स गुड, सो इट्स अप टू यू, कीप इट ऑप्शनल। आप चाहे तो अजीनोमोटो डालें, ना तो नहीं डालें, चाहे तो नहीं डाल सकते हैं जी। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अब इसमें बात डालिए थोड़ा सा खट्टा पानी, विनेगर जिसे बोलते हैं, विनेगर डाला जा रहा है खटास आने के लिए जी। और एक रंग के लिए क्या डालेंगे फिर? रंग के लिए सर थोड़ा सा इसमें कलर डालना है जी। जी ओके, यहाँ पे इन्होंने पानी भी मिला दिया जी। इसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, कलर हो जाएगा। इसके बाद उसमें लाल रंग आपको मिलाना है, और लाल रंग मिलाने के बाद ऐसा हो जाएगा। और फिर इसे कितने देर तक रखना है? इससे 1.5 से 2 घंटे रख दीजिए सर। बाकायदा इसका जो मटेरियल है वो पूरा अच्छे से मिल जाए। अच्छा, सो 1.5 से 2 घंटे आपको इसको रखना है जी। और पानी आपने हल्का सा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है ताकि ज्यादा गीला नहीं हो, ज्यादा गीला ना हो जी। और फिर इसे अब डीप फ्राई करेंगे, तो चलिए आइए डीप फ्राई करते हैं इसे जी। ये 2 घंटा रखने के बाद जी कैसा लगेगा वो भी हम आपको बताते हैं जी। स्टे देयर, आइए। चाइनीज पकौड़ा विच इज़ रेडी, गर्मा गर्म है। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी शॉक में आएंगे, चाइना में भी पकौड़े बनते हैं, तो ये चाइनीज स्टाइल पकौड़े हैं। व्हाट आई वाज सेइंग वाज द बेस्ट पार्ट इज 10 रुपए में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीस मिल जाते हैं, एंड लुक्स यम्मी, क्रंची है, क्रिस्पी है। चलो पलक ले जाकर रखो, बहुत बढ़िया बन गए हैं, बहुत सुपर।